हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज की इस वीडियो में हम अभी स्टार्ट हुए एक नए इवेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि नया इवेंट ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें ऊपर ये कुछ टास्क दे रखे हैं, इनको हमें कम्प्लीट करना है। और ये टास्क जैसे ही 24 आवर्स और हो जाएगा, उसके बाद ये टास्क बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे टास्क की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अभी हमारे सामने ये टास्क है, जैसे जैसे हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे इससे हमें पॉइंट मिलेंगे, और जब पॉइंट मिलेंगे तो हम ये नीचे की चीज़ परचेज कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें बनने के लिए रख दी हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ अपने एक बार में सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख लें, क्या क्या चीज़ें आपको कितने पॉइंट की हैं और बननी कितनी क्वांटिटी में रखनी है, उसके हिसाब से आप इसको बनने के लिए रख दीजिए। और जब ये बन जाए तब इस टास्क को उठाइए और कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले हनी टास्क उठाती हूँ। ये देखिए, मैंने लिया टिक और अब मैं यहाँ जाती हूँ हनी। ये बान मेरा बिल्कुल फुल कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं डर्बी भी खेल रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने उसको फुल कर दिया था। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ये भेज देती हूँ मैं वूल, ये भेज दी हमने। और अब हम उठाते हैं 5 हनी। इसके साथ ही हो जाएंगे मेरे, ये देखिए टास्क कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम वापस यहाँ जाएंगे, आप देख रहे हैं 40 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे 40 पॉइंट आ चुके हैं। अगर किसी भी वजह से अगर मेरा ये टास्क एक्सपायर हो जाता है तो मैं 10 डायमंड पे करके इसको वापस से रिन्यू कर सकती हूँ। या किसी वजह से अगर मैं इसको, वही बात है कि अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, मुझे टास्क पसंद नहीं है कि नहीं मुझे ये वाला पसंद नहीं है, तो भी हम डायमंड पे करके टास्क नया ले सकते हैं। अगर जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला टास्क है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे डायमंड पे करने होंगे, वैसे ये नहीं हटेगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको एक का बताया। अब मैं सबसे बड़ा देखिए है 500 वाला, 5 सेंचुरी एनिमल्स को हमें उठाना है। तो हम ये टास्क ले लेते हैं और चलते हैं अपनी सेंचुरी में। वहाँ से हमें ये 500 पॉइंट इजी वे में मिल जाएंगे। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी कि जब से ये अपडेट आया है उसके बाद से हमारा गेम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखिए अभी तक इसकी लोडिंग चल ही रही है और ये आज दिन भर से ऐसा ही हो रहा है। देखिए हम सेंचुरी में पहुंच चुके हैं और अब हमें 5 एनिमल्स को उठाना है। देखिए एक को उठा दिया, उठ जा भाई। देखिए 4 एनिमल्स को तो मैंने उठा दिया है। अब देखती हूँ और कौन सो रहा है। ये देख, ये जिराफ सो रहा है, इसे उठा देते हैं। चलो इसको भी उठा दिया, 5 एनिमल्स हमने उठा दिए। अब देखिए मेरा ये टास्क कम्प्लीट और मेरे पास 540 हो गए हैं। मुझे, आप देख रहे हैं, 5 बेकॉन कलेक्ट करने हैं। मैंने ये टास्क लिया और कुछ टास्क आप इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे करके आप, मैं आपको बताऊंगी कि हमें टोटल मिला करके कितने पॉइंट जो हैं वो कलेक्ट करने हैं, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपने वैसे तो देखा होगा कि लास्ट में 1500 पॉइंट अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, 15000 सॉरी, तो हमें बहुत ही खूबसूरत टेबल मिलने वाली है, जिसमें कि, और उस टेबल का नाम है अक्टूबर फिस्ट। देखिए पहले हम 5 बेकॉन कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए 5 मैंने बेकॉन कलेक्ट कर लिए, 4 ही हुए।
आई थिंक मेरा फिर से बांध भर गया है। तब तक मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे बनने रख देती हूँ मैं, ये देखिए। पर इससे कुछ फर्क नहीं, एक बार तो फर्क पड़ेगा, देखते। एक बेकन में और कलेक्ट कर लेती हूँ, नहीं हो रहा अभी भी, मुझे और ज़्यादा खाली करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये कोर में कर लेती हूँ, उसके साथ ही हम अब कलेक्ट हो गए मेरे। अब आप देखिए, मैं इसको मैंने परचेज़ कर लिया, ये भी इजी वे में मेरे पास आ जाएंगे। और थर्ड नंबर पे ये भी हो गया। अब जैसे ही 1500 पॉइंट मेरे होंगे, मुझे एक पज़ल पीस मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं 4500 पे बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बजाने वाला ये पिग है। और ऐसा ही पिग जो है वो 9500 पर है। और लास्ट में जब 15000 हमारे पॉइंट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत अक्टूबर फिस्ट टेबल जो हमें मिलने वाली है म्यूज़िकल, जिसमें बैठ करके ये दोनों पिग म्यूज़िक बजा रहे होंगे और उसका आनंद हम अलग ही तरीके से ले सकते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये पूरे पॉइंट 15000 आपको मिल जाए। उसके लिए आप सभी टास्क जो है वो टाइम टू टाइम रेडी रखिए। जैसे ही मौका लगता है, आप टास्क को बनने के लिए रख दीजिए और फिर इसके बाद ओपन कीजिए और एक साथ सारे टास्क कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि टास्क लगातार आपके बनते रहेंगे। और अगर आपके पास थोड़ा सा अगर फ्री टाइम में अगर आप देखते हैं कि जो कम टाइम में कंप्लीट होने वाले हैं, उनको हम इजी वे में पहले ही बनने के लिए अगर हम रख देते हैं, तो हमारे लिए और काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।